हेलो गाइस। तो यार ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ही काम का वीडियो होगा। सारे के सारे जितने भी यूजी प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबका एनालिसिस करेंगे, किसका क्या सारा सीन है, किसका एडमिशन स्टार्ट है, किसका चल रहा है। तो चलो देख लेते हैं यार। ठीक तो गाइस, सबसे पहले हमारा है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का देख सकते हो क्लोजिंग डेट है 10 तारीख, 10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जैसे स्टार्टिंग है 21 सितंबर से, और इसमें जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। जिन भी लोगों ने अभी तक CUET गाइडेंस प्लान में एनरोल नहीं किया है, जरूर से जाके एनरोल कर सकते हो। जिसके अंदर आपको जो है 100% एडमिशन प्रोवाइड करने की श्योरिटी दी जाती है। इंडिया का है सबसे कम प्राइजेस पे, ओनली फॉर 1499 रुपए में आपकी फुल काउंसलिंग की जाती है। साथ में आपको जो है फुल एडमिशन की फैसिलिटी भी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो आप उसमें जरूर से जाके एनरोल कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अगर अपन बात करें तो यार काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। एंड जस्ट लाइक इसका अगर अपन बीटेक की बात करें तो टॉप के अंदर माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो पीजी प्रोग्राम के लिए, यूजी प्रोग्राम के लिए 12 तारीख यहाँ पे दी गई है, एक्सटेंड कर दिया गया 12 अक्टूबर तक इसके एडमिशन प्रोसेस को। ओके, उसके बाद हमारा कॉलेज आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसके बारे में सभी को पता होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का क्या प्रोसेस है भैया? ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो रजिस्ट्रेशन है वो देख सकते हो स्टार्ट हो चुके हैं। यूजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 5 अक्टूबर से और जस्ट रजिस्ट्रेशन क्लोज है 15 अक्टूबर को। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी डिटेल वगैरह आ चुकी है। आप यहाँ पे जो है अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ठीक है, कैसे रजिस्टर करना है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। ओके दोस्तों, ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है लेकिन यार बहुत ही काम का वीडियो होगा, तो जस्ट इसको लाइक करना ना भूले। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉलेज आता है यार त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का क्या सारा सीन है एडमिशन का, तो चलो गाइस वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एडमिशन सेक्शन पे जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एकेडमिक्स पे क्लिक करोगे तो आपको एडमिशन पे जाना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे प्रोविजनल सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे यूजी एंड पीजी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो सारे के सारे बच्चे जो भी हैं यहाँ पे देखेंगे अपना एडमिशन का। ठीक है, उसके बाद यार हमारा कॉलेज आता है EILU। ठीक है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो भैया इसका क्या सारा सीन है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है CUET UG वाले बच्चों के लिए। काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है इस यूनिवर्सिटी ने और फाइनली देख सकते हो एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। कॉलेज की तरफ से एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस रिलीज कर दिया गया है। अगर अपन इनके शेड्यूल की बात करें कि भैया कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। देख सकते हो फिर DF आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 6 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर EFILU। 13 अक्टूबर को इनकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। यार इन सब कॉलेजों के लिए जो भी सारी की सारी अपडेट हम हमारे पेड काउंसलिंग प्लान में बच्चों का पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, तो आप सभी लोग यार उसमें जरूर से एनरोल कर सकते हो। ओनली फॉर इंडिया में सबसे कम प्राइजेस पे 1499 रुपए में आपका एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉलेज आता है तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 9 अक्टूबर है और यूजी में ऑलरेडी चल रहा है, तो सारे के सारे बच्चे जरूर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस हमारा कॉलेज आता है तेजपुर के बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम। ओके, तो सिक्किम यूनिवर्सिटी का क्या सारा सीन है? तो दोस्तों सिक्किम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो आप इनकी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, यहाँ पे सारी की सारी अपडेट दे रखी है। इसके साथ हम हमारे पेड काउंसलिंग प्लान में भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी का क्या सारा सीन है। तो गाइस यहाँ पे एडमिशन ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है, सारे बच्चे जरूर से जाके अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो भैया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का क्या सारा सीन है?
तो गाइस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी देख सकते हो सीयूटी यूजी से रिलेटेड एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहिए लगातार, जैसे ही एडमिशन की अपडेट आती है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यार हमारा कॉलेज आता है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी। तो गाइस इसका क्या सारा सीन है, तो ये पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ओके यहाँ पे आप एडमिशन सेक्शन पे आएंगे, देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन सेक्शन 2022-23। यहाँ पे आपको मोर डिटेल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर तक पीजी के लिए और इंटीग्रेटेड वालों के लिए और साथ में पीजी वालों के लिए एडमिशन पोर्टल विल बी स्टार्ट शॉर्टली। तो इस प्रकार से इसका भी सीन चल रहा है। गाइस नॉर्थ हिल यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑलरेडी रनिंग में चल रहे हैं, ये देख सकते हो। एनएसकेटीयू की वेबसाइट नहीं चल पा रही है। उसके बाद देखते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी रनिंग में, इनकी वेबसाइट पे हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यार यहाँ पे भी एडमिशन ऑलरेडी रहे, आप इनकी वेबसाइट पे भी विजिट करते रहे। अगर अपन बात करें मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहे। मणिपुर यूनिवर्सिटी में काफी दिनों से एडमिशन चल रहे हैं और काफी सारी जो प्रोविजनल लिस्टें हैं वो भी आने वाली लग रही है मुझे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो जल्दी। बाद हमारे आते हैं बापू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसको हम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी काफी अच्छी अपडेट आई हुई है, एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है इन कॉलेजों के अंदर यूजी पीजी प्रोग्राम के अंदर, तो आपकी वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप सभी को पता ही होगा क्या चल रहा है जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है कौन सा यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसमें डिटेल हिंदी में लिखी गई है। मैं भी परिवेश आप जाके सारी डिटेल चेकआउट कर सकते हो, आई लिटिल अंडरस्टैंड हिंदी। ओके बात गाइस हमारा कॉलेज आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एडमिशन चल रहे हैं। असम यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले स्टार्ट करने वाला कॉलेज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत, सेंट्रल ट्राइबल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, यहाँ पर तमिलनाडु, हरि सिंह गौड़, गुरु घासीदास, हेमवती, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, हेमवती नंदन, बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सबके सब यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कल ओपन हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है, जैसे हरियाणा हो गया, जैसे कि गुजरात हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, ये साउथ बिहार हो गया, बहुत सारे कॉलेजों में प्रोविजनल लिस्टें आ चुकी है, हेमवती में आ चुकी है, उसके बाद हिमाचल में आ चुकी है, बहुत सारे कॉलेजों में लिस्टें आ चुकी है। सारे बच्चे विजिट करते रहेंगे वेबसाइटों पर जिसमें भी आप लोगों ने अप्लाई किया है। जिन बच्चों में भी कम मार्क्स है या फिर जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक सीएससी के अंदर, डायरेक्ट ऑन स्पॉट एडमिशन चल रहा है। नीचे व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ में हमारा सीयूटी गाइडेंस प्लान चल रहा है, ओनली फॉर 1499 रुपए में कंप्लीट सीयूटी एडमिशन, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ टिल लास्ट तक आपको एक कंप्लीट सिक्योर सीट दिलाने की टिल स्पॉट राउंड तक। और आपको एक मैं मजे की बात बता दूं यार, जो भी सीयूटी में आपने देखा होगा 15 लाख अप्लीकेंट्स थे अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले, उसके बाद 8 लाख में बच्चों ने एग्जाम दिया, उसके बाद 8 लाख में से आप मान के चलो कि 5 लाख बच्चे अदर अदर जस्ट लाइक जो भी होती है डिपार्टमेंट्स में चले गए, चाहे जोसा सी एस ए वी आई आई एस टी एंड फॉरन चले जाते हैं बहुत सारे बच्चे लोकल प्राइवेट एंड अदर अदर कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। यार लगती लास्ट स्पोर्ट राउंड में काफी सारे बहुत सारे कॉलेजों में सीटें बच जाती हैं, तो आप सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जस्ट जिन भी बच्चों को कम मार्क्स है और अगर वो सच में इस साल में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में हम करा देते हैं एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर सीटें बचती है किसी कॉलेज में, तो वरना काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में भी आपका एडमिशन करा दिया जाता है, तो आप जरूर से प्लान में जाके इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया, साथ में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द काउंसलिंग। और हमारा मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान भी चल रहा है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कुछ ही काउंसलिंग चार्जेस लेके जो है आपका सारा का सारा फॉर्म वगैरह सारा प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू।